सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि गूगल स्प्रेडशीट में प्रॉपर फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, गूगल स्प्रेडशीट के ऊपर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रॉपर फॉर्मूले का इस्तेमाल किया क्यों जाता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो कॉलम है, एक में मैंने 1 2 3 4 टाइप किया हुआ है, दूसरा कॉलम ब्लैंक है। तो यहाँ जो 1 2 3 4 टाइप किया हुआ है, इसका जो पहला जो अक्षर है वो आप देख सकते हैं कि स्मॉल है। अगर हम चाहते हैं कि सारे जितने भी वर्ड्स हैं सबके पहले अक्षर कैपिटल से आ जाए, तो उसके लिए हम प्रॉपर फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रॉपर फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले टाइप करेंगे इज इक्वल टू, उसके बाद पी आर ओ पी ई आर, नीचे देखिए प्रॉपर फॉर्मूला आ गया। उसके बाद इस पर डबल क्लिक करिए, ये सिलेक्ट हो जाएगा और इसको इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए ब्रैकेट ओपन हो गया। अब हमें उस कॉलम को या उस सेल को सेलेक्ट करना है जिसका पहला जो वर्ड सॉरी अक्षर जो है उसको हम कैपिटल करना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर इसके ये वन जो लिखा है इसमें जो ओ है हम चाहते हैं कि कैपिटल से हो जाए। ठीक है, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज किया, उसके बाद जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि वन जो था वो कैपिटल से आ गया। ठीक है, मतलब वन में जो ओ था वो कैपिटल से आ गया। अब बाकी को भी मतलब कैपिटल से लाना बहुत आसान है, सिंपल इसको सेलेक्ट करिए और ये प्लस साइन है इसको पकड़ करके नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। तो जहां तक भी आप ड्रैग करेंगे आप देखेंगे कि जितने भी वर्ड्स थे सबका जो पहला लेटर है वो कैपिटल में हो गया। ठीक है,